हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे कई सारी मीटिंग्स होती हैं, हमें उनके लिए पोस्टर्स बनाना पड़ता है और हमें गेस्ट के जो फोटोज लगाने पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, गेस्ट हमें ऐसे फोटोज देते हैं जिसके पीछे बैकग्राउंड होता है, लेकिन हमें उन बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ता है। तो हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं ना, उन फोटोज के बैकग्राउंड को रिमूव करने का बहुत आसान तरीका मैं आज आपको बताने चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में पीपीटी होती है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हम उसको खोलते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम खोलेंगे, उसके बाद न्यू स्लाइड में जाकर ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलेंगे। और आपको ध्यान रहे कि आपका जो जो बैकग्राउंड है स्लाइड का, वो वाइट रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फोटो हमें इंसर्ट करना है या किसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है, उस फोटो को हम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, दिस डिवाइस में जाएंगे और वो हमसे पूछेगा कि कौन सी फोटो है जो आपको, जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो हम मैंने उसको डेस्कटॉप पे सेव किया है, डेस्कटॉप पे जाऊंगा और फिलहाल जैसे मुझको ये वाला फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना, ठीक है। मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट, जैसे ही मैंने फोटो को इसके अंदर इंसर्ट किया, यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेट लिखा हुआ है, पिक्चर टूल्स, उसके अंदर आप देख सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पर दबा दीजिए तो उसका एक सेट ऑफ प्रपोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं कि मुझे ये पूरा फोटो चाहिए, तो मैं इसको यहां तक बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। और इसको भी यहां से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बैकग्राउंड की रिमूव हो चुकी हैं और कुछ कुछ चीजें मुझको चाहिए, जैसे इनके जो बनियान हैं वो रिमूव हो चुका है, मुझे वो वापस चाहिए। तो मार्क एरियाज टू कीप, जो चीज़ हमें चाहिए उनके लिए हम मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो मुझे चाहिए वो मैं उस पर क्लिक करूँगा, तो ये मुझे मिल गया। तो एक बार मैं देखूँगा कैसा दिखता है। ओहो, थोड़ा उनका मूछ यहाँ से कट चुका है, तो वो मैं थोड़ा सा वापस ले लेता हूँ। तो मैं दोबारा रिमूव बैकग्राउंड पे जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा, है ना, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इनका मूछ थोड़ा सा चला गया है, तो मैं यहाँ से एरियाज टू कीप, मार्क एरियाज टू कीप पर जाऊंगा और उस एरिया को सिलेक्ट कर लूँ, और यहाँ पे आ चुका है। अब हम देखते हैं कैसा है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ना बैकग्राउंड रिमूव। और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपने अपनी माउस पर इस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जब आप करेंगे, आप देखिए सेव एज पिक्चर, सेव एज पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे। और कहाँ पे सेव करना है, फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और यहाँ पर इस पिक्चर का नाम दे देता हूँ गेस्ट, ठीक है। और मैं इसको PNG ना, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट में इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पोस्टर का जो है, क्या कोई भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं।